आज हम रॉथस्चाइल्ड पर बात करेंगे। रॉथस्चाइल्ड, RothschildI. ये कौन है? ये एक सरनेम है, जैसे कि शाक्य सरनेम है, शर्मा परिवार है, वर्मा परिवार है, चतुर्वेदी परिवार है, श्रीवास्तव परिवार है, वैसे ही रॉथस्चाइल्ड परिवार है। ये दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। कितना अमीर परिवार है? कुछ लोग कहते हैं बिल गेट्स से 10 गुना अमीर है, कुछ लोग कहते हैं 20 गुना, कोई बोलता है 50 गुना, कोई बोलता है 100 गुना, मैं बोलता हूँ कम से कम 1000 गुना अमीर परिवार है। ये परिवार क्या करता है? ये परिवार दुनिया चलाता है। ये परिवार पूरी दुनिया को गुलाम बनाए रखता है। दुनिया में कौन कौन आ गए? इस दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ईरान और कुछ वर्षों तक पहले सूडान और लीबिया जैसे 4-5 देशों को छोड़कर पूरी दुनिया आ गई। हाँ, तो ये कैसे करते हैं? ये एक ही बहुत ही विस्तृत मुद्दा है। इसको समझाने के लिए बहुत ही घंटों घंटों का एक लेक्चर सीरीज़ लगेगा, बट चूँकि मेरे दिल की ये इच्छा थी इस पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला जाए और कुछ लोगों ने कहा भी था, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन डाल के छोड़ देता हूँ। तो ये समझिए कि कुछ वर्षों पहले मतलब कि कम से कम 250-300 साल पहले दुनिया कैसे चला करती थी, इस दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी थी वो कैसे चला करती थी। एक तो राजा महाराजाओं के सिक्के वगैरह हुआ ही करते थे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कि गाँव के अंदर कुछ लोग मछली पालन करते हैं, कुछ लोग गाय पालन करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग लोहार का काम करते हैं। तो जैसे कि मुझे दूध चाहिए तो मैं गाय वाले के पास चले जाऊँगा, और मतलब मेरे पास, मैं अगर मछली पालन करता हूँ तो वो मैं उसको मछली दे दूँगा। इसी प्रकार से सब्जी के बदले अनाज का लेन देन, तो इस प्रकार से एक चीज़ों के लेन देन को बोलते हैं बेसिकली बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम से दुनिया चला करती थी, बट जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे, क्योंकि अगर मैं किसी के पास दूध लेने जा रहा हूँ तो बदले के अंदर वो मुझे लोहार है, तो लोहार मुझे क्या देगा? मुझे कुछ चाहिए नहीं लोहे का सामान। तो चीज़ें फिर क्या है कि करेंसी के ऊपर आ गई थी, सिक्कों के ऊपर आ गई थी। तो एक ऐसी जो चीज़ है जो दुनिया के अंदर सालों सालों तक, मतलब हमेशा से ही पूरी दुनिया के अंदर मान्यता प्राप्त थी, जिसे कि यार वो कोई वैल्यू रखती है, वो चीज़ है सोना और चांदी। हीरा मोती तो है ही खैर, बट सोना और चांदी सबसे ज़्यादा मानी हुई चीज़ थी, क्योंकि उसको ढलाई वलाई करना, उसके सिक्के वगैरह बनाना, ये एक आसान काम था और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीज़ थी, और आज भी सोना चांदी को काफ़ी महत्व प्रदान है। तो सोना चांदी के जब सिक्के बनने लगे तो सोना बेसिकली एक ट्रेड का मीडियम हो गया, राइट? तो उसके सिक्के ट्रेड के मीडियम हो गए। तो लेकिन सोने को साथ में लेकर चलना दो कारणों से एक मुश्किल काम था बेसिकली, क्योंकि एक तो उसका वज़न, दूसरी बात उसकी सिक्योरिटी। सोना तो हमेशा से ही मतलब ऐसी चीज़ रहा है कि जिसको लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो सोने के सिक्के हमेशा से चोरी के लिए प्रोन चीज़ें थी। उसी प्रकार से उनका वज़न भी था। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो सुनार वर्ग था, सुनार वर्ग ने क्या किया कि सुनार वर्ग क्या उमरीन वाले जो होते हैं, सेठ लोग होते हैं, काम क्या होता है कि भाई तुम मेरे पास अपना सोना रख जाओ और इसके बदले के अंदर मैं तुम्हें एक रसीद दे देता हूँ, है ना, कि भाई तुम्हारे 10 सोने के सिक्के मेरे पास है, तुम्हारे 50 सोने के सिक्के मेरे पास हैं, और जब भी तुम्हें वापस लेके जाने हो तो तुम मुझे कुछ आधा सिक्का या सिक्के का थोड़ा सा टुकड़ा या एक सिक्का एक फीस की तरह मुझे लौटा देना। तो सुनारों ने ये काम स्टार्ट किया। तो सब लोगों ने अपना अपना सोना सुनारों के पास रखना स्टार्ट कर दिया, और उसके बदले में उनको रसीद मिलने लग गई। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना होता था तो लोग क्या करते थे, उस रसीद को लेकर वापस सुनार के पास जाते थे, सुनार उनको उनके सिक्के दे देता था, फिर सिक्के से वो लोग अपना काम चला लेते थे। लेकिन देखे जाने लगा कि सब लोगों के पास ही वो रसीदें इकट्ठी हो गई हैं, और किसी के पास 10 सोने के सिक्के की रसीदें हैं, किसी के पास 50 सोने के सिक्के की रसीदें हैं, किसी के पास 100 की है, तो वो बार बार सुनार के पास काको जावें, है ना। तो लोगों ने वो रसीदें ही आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। तो सुनार ने देखा कि यार मेरे पास तो जो सोना जमा था वो तो जमा का जमा ही रह गया, मेरे को तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा, ये लोगों ने रसीदों में ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सुनारों के मन के अंदर हरामखोरी आ गई, होशियारी आ गई। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये इस देश के पतन में जाने का सबसे बड़ा फार्मूला है, सबसे बड़ा कारण है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो उसने होशियारी करना स्टार्ट कर दिया। किसने? सुनारों ने। सुनारों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? सुनारों ने ऐसी नकली रसीदें निकालना स्टार्ट कर दिया हैं, जैसे कि उन रसीदों के ऊपर क्या लिखा हुआ करता था, उन रसीदों के ऊपर लिखा हुआ करता था कि मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा, आपके 10 सोने के सिक्के मेरे पास जमा है,
है ना। तो ऐसे उसने ऐसी खूब रसीदें बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। ये जो होशियार और हरामखोर सुनार थे ना, इन लोगों ने इजाद किया ये कॉन्सेप्ट लोन देने का है, और ये तुम मुझसे रसीद ले जाओ और इसको 1 साल बाद मुझे लौटा देना उतना उसका उस सोना, और 10% ब्याज ही मुझे लौटा देना। तो ये ब्याज का कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट हुआ और वो रसीदें वहाँ से बनना स्टार्ट हुई, और धीरे 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 उन रसीदों का जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व के अंदर इतना फैल गया कि मेरी जेब में भी एक रसीद है। दिखाऊं क्या? इस रसीद पे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उस रसीद पर क्या लिखा हुआ था? उस रसीद पर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि मैं धारक को, मेरा वादा है, मैं धारक को 10 सोने के सिक्के अदा करने का वचन देता हूँ। अभी जो वचन है ना, ये वचन ही इस दुनिया को गुलाम बनाए रखा हुआ है। कब से? जिस आदमी के दिमाग में ये होशियारी आई थी, उसका नाम था रॉसचाइल्ड, मेयर एम्शेल रॉसचाइल्ड। 1744 के अंदर जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में उसका जन्म हुआ था। उसने बैंक की स्थापना करी। उसको समझ में आ गया था कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फर्जी रसीद वाला और फर्जी रसीद बना बना के लोगों को लोन देने वाला, और लोन के बदले फिर ब्याज ले ले लेकर अभी खुद अमीर हो जाने वाला, और आउट ऑफ थिन एयर मनी क्रिएट करने वाला, खुद ही अपने पैसे छाप छाप के, अपने नोट छाप छाप के, करेंसी छाप छाप के, फर्जी रसीदें छाप छाप के, दुनिया को एकदम गुलाम बना रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये मैंने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया तो भाई मैं बन जाऊँगा बादशाह। और आज सच में वो बादशाह है। उसके हुए थे 5 बच्चे, नैथन रॉसचाइल्ड, सोलोमन रॉसचाइल्ड, जैकब रॉसचाइल्ड, जेम्स रॉसचाइल्ड और एम्शल रॉसचाइल्ड। इसको, इन 5 बच्चों को इसने भेजा, एक को इंग्लैंड में भेजा, लंदन में, एक को ऑस्ट्रिया में भेजा, वियना में, एक को इटली में भेजा, नेपल्स में, एक को फ्रैंकफर्ट में ही रख लिया, और एक को फ्रांस भेजा, पेरिस में, और बैंक खोलने स्टार्ट कर दिए। तो जो बैंक का कॉन्सेप्ट है ना, ये बैंक वही है बेसिकली। ये जो नोट है ये किसने बनाया है? ये बैंक ने बनाया है, और बैंक ने बस कागज लिया और छाप दिया। अब आप सोच लो, सारी पावर इसके पास चली गई, जस्ट जस्ट ए मिनट, सारी की सारी पावर इसके पास चली गई। अभी ये एक बहुत बड़ा एक विस्तृत वीडियो हो जाएगा, एक व्याख्यान हो जाएगा, जब मैं अगर समझाने बैठूंगा कि किस तरीके से इसने धीरे धीरे करके पूरे देशों को गुलाम बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कितनी हरामखोरी होती है। जैसे कि 1803 के अंदर और 1815, 1803 से लेकर 1815 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ था। उसके अंदर नेपोलियन जो था वो चढ़ाई करने गया था ये इंग्लैंड के ऊपर। तो अपने इंग्लैंड के अंदर जो रॉसचाइल्ड बैंक बना रखा था उसको संभाल रहा था नेथन, और उसी का भाई, सगा भाई, फ्रांस के अंदर रॉसचाइल्ड ने जो बैंक बना रखा था उसको संभाल रहा था जेकब। तो जेकब बोला नेपोलियन को कि तुम जाओ लड़ाई करने जाओ, मैं तुमको फंड करूँगा। और उधर उसका जेकब, आई एम सॉरी, जो नेथन था वो इंग्लैंड के, इंग्लैंड में उसका जो राजा था उस टाइम पे, जो जनरल था, जनरल वेलिंगटन, उसको बोला कि तुम लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें फ़ंड करूँगा। तो ये जो बेसिकली फैमिली है ना, ये देशों को लड़ाती है। अब समझ समझ में आ रही है बात? ये देशों को लड़ाती है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, तो ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ना भारत पाकिस्तान की लड़ाई है। ये पूरी तरीके से दुनिया में जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं ना, कम से कम पिछले 200 सालों के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, सबसे जो बड़ा इनका गेम रहा है वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 रहा है। तो इस तरीके से जब भी कोई युद्ध होता है तो दो देशों को लड़ाते हैं, उन दो देशों में से कोई ना कोई तो जीत ही जाता है। तो जो जीत जाता है बेसिकली वो दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वो जो पैसा पहले देश के ऊपर लगाया था, जीते वाले देश के ऊपर लगाया था, वो अब उसको लौट आएगा, और जो हारा हुआ देश है वो गुलाम बन जाएगा। हाँ, और जब वो गुलाम बन जाएगा तो बस भैया यही है, देशों को गुलाम बनाने का ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अमेरिका को अपने नक्शे कदम पर चलवा कर
इन लोगों ने कम से कम 250 युद्ध करवाए अमेरिका के द्वारा। उसके अलावा ये लोग सरकारें बनाते हैं, इन्होंने अमृत सेन को नोबल पुरस्कार दिलवाया। इन लोगों की फाउंडेशन वगैरह भी होती है, रॉकफेलर फाउंडेशन है और फोर्ड फाउंडेशन है, और जो आम आदमी पार्टी है पूरी तरीके से उसको फंड करते हैं ये लोग। पूरी पूरी कांग्रेस इनके पैसों के ऊपर खड़ी हुई थी, पूरी पूरी बीजेपी इनके पैसों के ऊपर खड़ी हुई थी, पूरा का पूरा मीडिया लोग खरीद के रखते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा स्टार चैनल है ये इन्हीं का है, और जो सोनी है वो इन्हीं का है। जैसे सोनी जो चैनल है, जो सेटमैक्स चैनल है, ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट नाम की एक अमेरिकन कंपनी है। ये पूरी तरीके से रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर जो सबसे दुनिया के जो अमीर लोग हैं ये सब लोग उसी को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से 21st Century Fox नाम की एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है, वो स्टार चैनल चलाती है पूरे एशिया और चीन और भारत वगैरह के अंदर। तो पूरा का पूरा मीडिया इन लोग का रहता है, पूरी पूरी सरकार इन लोग की रहती है, सारे के सारे बैंक इन लोग के रहते हैं। तो बहुत ही मतलब बड़ा मुद्दा है, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें छेड़ दी हैं, आप जाकर रिसर्च करेंगे तो मज़ा आएगा। मैं भी इस पर एक डिटेल लेक्चर डालूंगा। सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है, और एक्चुअल में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला गेम ही है।